हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एक्सप्लोर कार्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले ऑल न्यू बजाज चेतक। ये स्कूटर वो 90s के जमाने का पेट्रोल स्कूटर नहीं है, बल्कि आज के जनरेशन का इलेक्ट्रिक स्कूटर है। अभी ईवी स्कूटर में काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मार्केट में देखने को मिल जाते हैं, पर बजाज चेतक में आपको क्या फीचर मिलते हैं, इसकी रेंज क्या है और चार्जिंग टाइम क्या है, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो इस स्कूटर के प्राइसिंग की बात करें तो इस स्कूटर का एक्स शोरूम प्राइस 1.21 लाख रुपीज़ है। उसमें आपको सब्सिडी भी मिल सकती है। और कलर ऑप्शन की बात करें तो कुछ ये सारे आपको कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे ब्लैक, ब्लू और रेड भी आता है। तो अभी हम जिस शोरूम में है वो है पांच चेतक का शोरूम, जो कि है मेहसाणा गुजरात में। यहाँ पे आप स्कूटर की इंक्वायरी कर सकते हो, टेस्ट ड्राइव ले सकते हो और स्कूटर की सर्विसिंग भी यहाँ पे हो जाती है। तो इसका शोरूम डिटेल और इसका कॉन्टैक्ट डिटेल हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्कूटर के फ्रंट लुक से, जहाँ पे बीच में आपको चेतक की बैजिंग मिल जाएगी। ऊपर आपको ग्रिल दी गई है जो कि काफी अच्छी दिख रही है। टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाएंगे जो कि पूरे एलईडी में। और लाइट के सेटअप की बात करें तो वो भी आपको एलईडी में देखने को मिलेगा। और बॉर्डर पे आपको डीआरएल भी मिल जाती है। टायर साइज की बात करें तो आपको 12 इंच के अलग व्हील्स देखने को मिल जाते हैं विद डिस्क ब्रेक। और ये है इसका साइड लुक। और पीछे बात करें तो आपको रियर टायर में ड्रम ब्रेक देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे आपको लेग स्पेस भी ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा, आप अपना सामान यहाँ पे रख सकते हो। और ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा खासा देखने को मिल जाने वाला है इस स्कूटर में। पीछे आ जाए तो पीछे आपको एलईडी में लाइट्स देखने को मिल जाती है। और इसका भी पूरा सेटअप एलईडी में। लाइट की बात करें या टर्न इंडिकेटर की बात करें, पीछे भी आपको एक ब्लैक ग्रिल देखने को मिल जाने वाली है, जिसका लुक भी काफी अच्छा आने वाला है। नीचे आ जाए तो नीचे आपको नंबर प्लेट के लिए भी जगह दी गई है। यहाँ पे आपको रियर टायर में मोटर देखने को मिल जाती है। और रियर टायर में आपको सिर्फ ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगी। IP60 रेटिंग के साथ आती है मोटर। और यहाँ पे आपको फुटरेस्ट भी देखने को मिल जाने वाला है रियर पैसेंजर के लिए। तो ये था कुछ स्कूटर का एक्सटीरियर लुक। काफी अच्छा और प्रीमियम लुक मिल जाता है आपको स्कूटर में। और यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री मिलती है, तो यहाँ पे आप बटन प्रेस करोगे तो स्कूटर ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लाइट्स के और हॉर्न के बटन मिल जाते हैं। और इस साइड आपको सारे मोड्स के बटन देखने को मिल जाते हैं। की बात करें तो इसमें आपको रिमोट की देखने को मिलती है, और उसमें आपको सिर्फ एक ही बटन देखने को मिलता है, क्योंकि ये पूरा स्कूटर कीलेस ही ओपन होता है। तो आपको सिर्फ वो की को बटन के पास रखना है और सिर्फ बटन को प्रेस करना है तो स्कूटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आपको MID में भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, जैसे कि रेंज, स्पीड, टाइम, बहुत कुछ। यहाँ पे आपको लाइट्स के कंट्रोल देखने को मिलते हैं। जैसे आप स्कूटर ऑन करोगे तो इन कंट्रोलों में लाइट जलने लगेगी, जिससे आपको रात में काफी अच्छा व्यू आ जाएगा। MID की बात करें तो इसमें आपको टाइम, स्पीड, रेंज, बैटरी, कितने किलोमीटर स्कूटर चला है, कितना चल सकता है, कौन से मोड पे चल रहा है, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस MID में देखने को मिल जाएगा। और आप इस स्कूटर को ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हो। और इस साइड आ जाए तो यहाँ पे आपको लाइट्स के बटन मिल जाते हैं। जैसे आप ये बटन ऑन करोगे तो आप देख सकते हो कि लाइट भी ऑन हो जाएगी, और काफी अच्छी LED में लाइट्स देखने को मिल जाती है विद DRL, जिसका नाइट में थ्रो काफी अच्छा रहने वाला है। तो ये थे कुछ बजाज चेतक के फीचर। यहाँ पे आप बटन एक बार दबाओगे तो ये बूट ओपन हो जाएगा फ्रंट के लिए, जिसमें आपको यहाँ पे मोबाइल के लिए चार्जर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको USB पोर्ट मिल जाएगा। नीचे आपको फर्स्ट एड किट और टूल किट मिल जाती है। और इस साइड आपको चार्जर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे स्पेस काफी ज्यादा है, आपको काफी सारे सामान जो बूट में होने चाहिए वो आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो स्पेस यूटिलाइजेशन काफी अच्छा है। और उसी स्विच को अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हो तो आपका बूट ओपन हो जाएगा। तो आप बूट को भी हम ओपन करके दिखाते हैं कि बूट में कितना स्पेस है। तो बूट स्पेस की बात करें तो काफी बढ़िया आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है इस स्कूटर में, क्योंकि इसकी बूट स्पेस में बैटरी नहीं मिलती, जैसे जनरली सारे स्कूटर में आपको बूट स्पेस में बैटरी मिलती है। तो इसमें आपको बूट स्पेस में काफी जगह दी गई है, और यहाँ से आप स्कूटर को चार्ज कर सकते हो। चार्जिंग टाइम की बात करें तो 4 से 5 घंटे में पूरा स्कूटर चार्ज हो जाने वाला है। रेंज की बात करें तो आपको इस स्कूटर में 90+ की रेंज देखने को मिल जाती है फुल चार्ज पे। और स्पीड की बात करें तो टॉप स्पीड इसकी 63 किलोमीटर की है। आप अपने मोड के हिसाब से स्पीड को भी चेंज कर सकते हो। तो ये था कुछ बजाज चेतक का ओवरऑल रिव्यू। लुक्स और डिजाइन की बात करें तो काफी अच्छे लुक्स आपको इसमें देखने को मिल जाने वाले हैं। और फीचर भी आपको काफी सारे मिलते हैं, जैसे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, टेम्पर अलर्ट मिल जाता है, जियो फेंसिंग मिल जाता है, स्टील बॉडी मिल जाती है, मतलब ये स्कूटर काफी बिल्ड क्वालिटी में काफी मजबूत रहने वाला है। तो फिर से आपको सारी डिटेल बता दे, तो इसमें आपको 90 किलोमीटर तक की रेंज देखने को मिल जाती है फुल चार्ज पे, वो डिपेंड करेगा आप कौन से मोड पे स्कूटर चला रहे हो। चार्जिंग टाइम की बात करें तो ये स्कूटर 4 से 5 घंटे में फुली चार्ज हो जाएगा। प्राइसिंग की बात करें तो इसकी एक शोरूम प्राइस है 1.21 लाख रुपीज, और इस पर गवर्नमेंट का टैक्स लगेगा, और आपको स्टेट वाइज गवर्नमेंट की सब्सिडी भी मिल सकती है। इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो अप टू 63 किलोमीटर की इसकी टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है।
तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको स्कूटर खरीदना हो तो शोरूम का कॉन्टैक्ट डिटेल और एड्रेस डिटेल नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर भी इंक्वायरी करा सकते हो। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।